दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पर यहां पर देख सकते हो, आंसर की को लेकर बात करने वाले हैं कि इसका जो आंसर की कब तक आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा, इसका जो एग्जाम चला है वो 23 अगस्त से लेकर के 26 अगस्त के बीच में चला है, यानी कि 23 अगस्त से लेकर के 26 अगस्त के बीच इसका एग्जाम चला। और आप सभी लोग यहाँ पर वेट कर रहे हो कि आपका जो आंसर की कब तक देखने को मिलेगा। और रिजल्ट डेट को लेकर बात करने वाले हैं, यहाँ पर देख सकते हो रिजल्ट डेट अपडेट, यानी कि रिजल्ट डेट को लेकर बात करने वाले हैं। और यहाँ पर एक नया नोटिस जारी हो चुका है, इसके रिगार्डिंग यहाँ पर एक नया नोटिस जारी हो चुका है, इसको लेकर बात करने वाले हैं। आप सभी को दिखाने वाला हूँ कि कब तक आपका रिजल्ट आएगा और आंसर की कब तक आपका देखने को मिलेगा, और आंसर की आएगा तो उसमें आप लोग क्या कर सकते हो, यानी कि चैलेंज वगैरह कर सकते हो, तो उसके लिए हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर सारे टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं, तो बने रहे वीडियो में। एंड रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बिहार सक्षमता 2.0 के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आएगा तो सबसे पहले आपको चैनल के जरिए अपडेट कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें हम इसमें आंसर की के बारे में कि आंसर की कब तक आपको देखने को मिलेगा, तो सक्षमता 1.0 का जो एग्जाम हुआ था उसमें आप सभी को बता दें कि इसका जो आंसर की जारी किया गया था लगभग 1 सप्ताह के भीतर आपका आंसर की जारी कर दिया गया था, यानी कि 1 सप्ताह के अंदर आपका आंसर की जारी कर दिया गया था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका भी आंसर की यहाँ पर बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा, यानी कि आज भी जारी हो सकता है। आज क्या है, आज 1 सितंबर हो गया है और आज का भी डेट यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहने वाला आंसर की को लेकर, क्योंकि देखिए यहाँ पर बिहार की तरफ से अगर बताया गया था कि सक्षमता 2.0 के रिगार्डिंग यहाँ पर एक नोटिस जारी किया गया था, और उस नोटिस में बताया गया था कि देखिए आपका जो आंसर की है वो लगभग 2 सितंबर तक जारी कर दिया जाएगा, 2 सितंबर तक। तो आज 1 सितंबर हो गया है, तो आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, क्या पता आज भी जारी हो जाएगा या फिर कल शाम तक या फिर आज शाम तक आपको देखने को मिल ही जाएगा। ये आंसर की के बारे में बात कर लें। और देखिए आंसर की में आप लोग यहाँ पर आपत्ति कर सकते हो, यानी कि चैलेंज कर सकते हो। अगर दोस्तों आप सभी को कोई भी क्वेश्चन पर या फिर कोई भी आंसर पर आप लोग त्रुटि लगता है, फिर कोई भी गड़बड़ी देखने को मिलता है, तो उस क्वेश्चन पर आप लोग चैलेंज कर सकते हो कि हमारा ये क्वेश्चन गलत है, ये आंसर गलत है यार। और आप लोग चैलेंज करेंगे तो उसमें पर क्वेश्चन आपको कुछ रुपये पे करना पड़ेगा, यानी कि 50 रुपये आपको हर क्वेश्चन पर पे करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन आप लोग कोई भी आपत्ति करते हो, एक क्वेश्चन का आपत्ति करने का यहाँ पर 50 रुपये चार्ज करना पड़ेगा, तो ये आप सभी को देना पड़ेगा, तभी आप लोग का यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा। और उसके बाद देखिए रिजल्ट की बात करें तो आंसर की आपका आने के बाद रिजल्ट आपका आपत्ति करेंगे तो उसके बाद ये और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर देखिए ये आपका प्रोविजनल आंसर की रहेगा, ये आपका प्रोविजनल आंसर की रहेगा, उसके बाद आपका फाइनल आंसर की जारी किया जाएगा। जब आप लोग आपत्ति करेंगे, चैलेंज करेंगे, उसके बाद आप लोग उसके बाद आपका आंसर की जारी किया जाएगा, और फाइनल आंसर की जारी करने के बाद आपका रिजल्ट आएगा। तो जहाँ तक हमें पता है तो 20 सितंबर तक आपका जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा, यानी कि सक्षमता 2.0 का जो रिजल्ट है वो 20 सितंबर तक एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप लोग का आ जाएगा। एंड अपडेट आई था, एंड जो भी अपडेट आएगा आपके साथ शेयर करता हूँ, शेयर करेंगे, इसलिए रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच कीजिएगा। और देखिए दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर हम लोग कि इसमें यहाँ पर जिसका भी यहाँ पर आप लोग लग रहा है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप लोग डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करके रखिए, क्योंकि देखिए सक्षमता 1.0 का जो एग्जाम हुआ था उसमें बहुत सारे लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट की वजह से, उनके DV की वजह से बहुत लोग छाँटा गए थे। डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन में बहुत लोगों को छाँट दिया जाता है, इसलिए आप लोग अपना डॉक्यूमेंट को रेडी करके रखना। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं तो रजिस्टर करवा लेना, क्योंकि देखिए आधार कार्ड ही एक ऐसा जरिया है जिसमें आप लोग सिर्फ 7 से 8 दिनों में आपका यहाँ पर अपडेट हो जाता है, इसलिए इसमें ज़्यादा लेट नहीं लगता है। और आप लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट में कुछ चेंज करवाना जाएंगे तो आप लोग का वहाँ पर लेट लगेगा, इसलिए आप लोग आधार कार्ड में ही, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग आधार कार्ड में ही कुछ अपडेट करवा लीजिएगा, जो भी गलत वगैरह रहेगा। मार्कशीट में जो नाम है आप लोग आधार कार्ड में वही नाम करवा लीजिएगा, तो मेरी तरफ से यही रिक्वेस्ट है। और आप सभी का आंसर की बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपको बस कुछ घंटों में आपका आंसर की यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नोटिस भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है जिसके रिगार्डिंग रिजल्ट को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है कि रिजल्ट आपका 20 सितंबर तक देखने को मिल जाएगा। और सक्षमता 1.0 का जो एग्जाम हुआ था उसमें 1 सप्ताह के भीतर जारी किया गया था, तो इसमें भी जहाँ तक मैं पता है कि आज या फिर कल आपको देखने को मिल जाएगा, तो इन 2 दिनों में आपकी आंसर की यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और इसमें चैलेंज कैसे किया जाता है आगे हम वीडियो में बताएंगे, यानी कि जब आपका आंसर की जारी किया जाएगा उसके बाद हम दिखाएंगे कि कैसे चैलेंज करना है, कैसे आपको पे करना है पैसा, कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा, यानी कि सारा कुछ आपको जानकारी दिया जाएगा। फिलहाल भी आंसर की जारी नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द इसका आंसर की यहाँ पर देखने को मिल सकता है। उसके बाद चैलेंज करेंगे, उसके बाद आप लोग का यहाँ पर मार्क्स भी बढ़ेगा, यानी कि जो भी चैलेंज करेंगे उसका नंबर बढ़ेगा। उसके लिए हम बात करेंगे आगे वीडियो में, दूसरा वीडियो में बात करेंगे, अभी थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, अभी भी यहाँ पर 4 मिनट का वीडियो हो चुका है, 5 मिनट का लगभग हो चुका है, और थोड़ा सा यहाँ पर वीडियो मैं लंबा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे कि क्या कुछ डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, यानी कि सारा कुछ कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन देंगे दूसरे वीडियो में।